ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अवर नाइन्थ ट्यूटोरियल ऑन मास्टरिंग HTML एंड CSS। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम मजीद टेबल पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोगों ने एक चीज को मल्टीपल कॉलम्स या रोज पर लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे। जैसे नेम्स और कास्ट है, नेम्स मल्टीपल कॉलम्स पर एक्सपेंड कर रहा है और कास्ट मल्टीपल रोज पर। जब हमने किसी चीज को मल्टीपल कॉलम्स पर एक्सपेंड करना हो तो हम उस रो के अंदर TH या TD पर कॉल स्पैन के कीवर्ड के साथ नंबर ऑफ कॉलम जितने हमने एक्सपेंड करने हैं हम वो वाला नंबर उसमें ऐड करते हैं। जैसे अगर 5 कॉलम्स एक्सपेंड करने हैं तो कॉल स्पैन के अंदर हम 5 लिखेंगे और यही प्रिंसिपल हम रो स्पैन के साथ करते हैं। अपने टेक्स्ट एडिटर पर आके मैं एक रो बनाऊंगा और उसके अंदर टेबल हेडिंग के साथ नेम्स लिखूंगा। इसके टेबल हेडिंग टैग यानी TH के अंदर मैं कॉल स्पैन लगाऊंगा 2 का, क्योंकि मुझे ये सिर्फ 2 कॉलम्स पर एक्सपेंड करना है। जैसा आप देख रहे हैं ये 2 कॉलम्स पर एक्सपेंड कर गया है। इसी तरह मुझे कास्ट को रो स्पैन के साथ एक्सपेंड करना है। मैं कास्ट के लिए एक और रो बनाऊंगा और उसके अंदर टेबल हेडिंग यानी TH टैग के साथ कास्ट लिखूंगा। इस तरह हमें टेबल पर काफी कंट्रोल मिलता है कि हम कौन सा कंटेंट कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं एंड मेक द टेबल मोर कस्टमाइजेबल।